हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी। देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गेट कॉम्बैक 2020 ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ये इस साल के इलेक्ट्रिकल मशीन के कॉम्बैक का पहला क्वेश्चन है। और जो पहला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है आपके पास ये, वो बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि अ रिले कॉइल हैज 200 टर्न्स एंड इज एक्साइटेड बाय 2.5 एम्पियर करंट। ठीक है, आगे बोल रहा है कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। Then the ratio of air gap flux when the relay is closed to the air gap flux when relay is open। जब relay close होगा तब का air gap flux और जब relay open होगा तब का air gap flux, इन दोनों का ratio क्या होगा, basically ऐसा आपको पूछ रहा है। और इसके लिए उसने आपको कुछ parameters दिए हैं। parameters क्या क्या, देखिए उसने बोला है कि when relay is closed then air gap is going to be equals to 0.1 mm and when the relay is open then air gap is given as 2 mm and the relative permeability of the core material is given as mu r which is equals to infinite। और ये जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए जो उसने आपको सर्किट गिवन है, जो डायग्राम गिवन है उसका, ये देखिए ये वाला पार्ट गिवन है आपको। ठीक है, दिस इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, दिस इज द पार्ट ऑफ रिले और ये है आपके पास एयर गैप। ठीक है, ये जो एयर गैप है उसने बोला है कि जब ये वाला पार्ट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब जब ये रिले का पार्ट है ना, व्हेन रिले विल बी क्लोज्ड At that time this air gap will be equals to 0.1 mm और जब relay open होगा तब इसका जो air gap होगा उसका value given है आपको 2 mm। तो इन दोनों केस में जो air gap flux जो होगा उसका जो value आएगा, इसका ratio उसने आपको पूछा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आपको आपके आप पहले उसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उसके बाद जब मैं डिस्कस करूंगा तब देखना, मैं उसके लिए पहले आपको कन्वेंशनल वे बताऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत ही जल्दी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और आई होप कि इलेक्ट्रिकल मशीन का पहला क्वेश्चन है, आप उसको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से उसको एंजॉय करोगे, क्योंकि मैं तो उसको एंजॉय कर रहा हूँ, डेफिनेटली आई होप यू विल ऑल्सो एंजॉय। ठीक है, तो मिलते हैं इसके सोल्यूशन के टाइम पे। ओके, थैंक यू।